नमस्कार, स्वागत है आपका अनादर टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। अब खबरें विस्तार से। राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में पिछले 3 दिनों से कार्यक्रम चल रहा था, जहां प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करने की कार्यपद्धति और गणना के प्रशिक्षण सह कार्यशाला लगाई गई थी। इस समापन समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए, जहाँ उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि सांख्यिकी अधिकारियों का पहली बार प्रशिक्षण शिविर लगा है। यदि हमारे पास सही डेटा होगा तो ही हम सही योजनाएं बना सकेंगे। हमारे जीवन की गतिविधियों का आधार भी डेटा ही है। एक बार मैंने जीएसडीपी के आंकड़े जब अलग अलग राज्य के जारी किए जा रहे थे तो मैंने देखा मध्य प्रदेश में काम हमने बहुत किया, कृषि की विकास दर, बाकी सारी चीजें, लेकिन हमारी ग्रोथ रेट काफी कम आ रही है। अक्सर मुख्यमंत्री का ध्यान इस पे जाता नहीं, लेकिन मैंने अफसरों को बुलाया और मैंने कहा मुझे ये बताओ जीएसडीपी के आंकड़ों में कौन कौन सी चीज शामिल है, तो बताओ मेरे सामने हिसाब किताब को प्रस्तुत करो। और मुझे आश्चर्य हुआ, अफसरों के पास कोई तथ्यात्मक जवाब नहीं था। इसके पहले डेटा का इतना मतलब नहीं समझा जाता था और इसलिए शायद प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का जो संकल्प लिया, प्रगति का आकलन करने के लिए, नीतियां बनाने के लिए, नीतियों के प्रभाव का आकलन करने के लिए डेटा की आवश्यकता पर बल दिया। और डेटा भी ऐसा जो शुद्ध हो, विश्वसनीय हो और गुणवत्तापूर्ण हो। और जितनी भी योजनाएं जन्म से लेकर मृत्यु तक, अब आप तो जानते हैं मध्य प्रदेश में कितनी कल्याणकारी योजनाएं हमने बनाई, योजनाओं का ठीक से रोड मैप बने, नीचे पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, उसके बाद उसका असर और